गुड मॉर्निंग जय मुरलीधर। चलो तो चलते हैं जीरा में, जीरा निकालने। और इतनी टाइम बच गई है, ये देखो यहाँ से ये इतनी बच गई है। अब ये यहीं पर ही रखी हुई है जहाँ से हम रेत ले आए थे ना, मीठी रेत बड़े ट्रैक्टर में, फिर इनका ट्रैक्टर ले आए थे तो वहाँ ये शायद जहाँ से हम रेत ले आए थे वहीं पर वापस ये टाइल्स पहुँचाएंगे शायद। बाकी यही आगे आगे पता चल जाएगा। अभी कल दोपहर के बाद से चाचा के यहाँ चले गए थे तो रेत वगैरह सारा मटेरियल ऊपर चढ़ा दिया था। आज काम स्टार्ट हो जाएगा और शायद आज शाम तक में तो वो ख़त्म भी कर देंगे ऐसा बोल रहे थे। बाकी हमारे मकान में कम्प्लीट हो गया है, अभी वहाँ जाने का टाइम मिलेगा तो मैं आपको ऊपर सारा कुछ दिखाऊँगा। फिर दो तीन दिन के बाद उसमें पूरा फ्लोर है ना उसमें पानी भरेंगे। कितना पानी भरेंगे कैसे है वो सब बताऊंगा आगे आगे। अभी चलो जीरा खसकाने लग जाते हैं। पापा निकल गए हैं, मैं निकल गया हूँ, मम्मी और राधिका भी आएंगे। अभी घर का कुछ काम बाकी रह गया होगा थोड़ा मोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत। तो चलो राम सिंह बाबा ने भी राजमा कट करना स्टार्ट कर दिया है, ये शायद जीरा की तरह निकाल ही रहे। तो देखो यहाँ पर इतना ढेर भी कर दिया, यहाँ से ये इतना एरिया निकल दिया, आगे का ये बाकी है और फिर ये वाला। तो ये निकालने में तो ज्यादा टाइम ही नहीं लग रहा है, राजमा निकालने में बहुत इजी है क्योंकि ये जीरा जितनी क्यारिया है और जीरा में 17 या 18 लाइन होती है, उसकी आधी ही लाइन है उसमें, और वो निकालना भी आसान रहता है क्योंकि ये तो बहुत सारा होता है, वो ऐसा घाटा नहीं होता है, कम कम से होते हैं छोड़, तो इसलिए इसमें जल्द जल्द काम हो जाता है। बाकी मेहनत तो लगती है, जीरा में लगती है उतनी ही उसमें भी, लेकिन शायद उसमें जल्दी जल्दी काम हो जाता है ऐसा लग रहा है मुझे। वहाँ तक जीरा निकाल रहे थे तब तक मैं था, फिर उसके बाद दोपहर के बाद तो मैं चला गया था जॉब पर, तो वहाँ से यहाँ तक का दोपहर के बाद निकला। तो आज ऐसा लग रहा है कि ये वाला तो पूरा हो ही जाएगा दोपहर तक, उसके बाद ये वाला, तो पूरे दिन में शायद ये गैप और ये ख़त्म हो सकता है। ये इतना ख़त्म हो जाएगा ना तो आधा जीरा निकाल दिया ऐसा बोल सकते हैं, तीन गैप निकल जाएंगे फिर तीन बचेंगे पीछे के। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचेगा काम, भी मजा आता है। बाकी दोपहर तक में तो इतनी हवा चलती है नहीं पापा, ये ऐसे बने हैं ना पत्थर वो भी उड़ जाते हैं तो बहुत मुश्किल आता है। तो अब भी जितना ज्यादा निकल पाएंगे उतना बढ़िया रहेगा, इसीलिए तो दोपहर के बाद तो वहां से यहाँ तक ही पहुंचे और दोपहर से पहले मैं ये सारा गैप निकाल दिया था। तो इतना लिया हमने तब तक बहन और राधिका आ गए मम्मी और बहन दोनों आ गए हैं। इतनी दूरी है फिर भी गूंज आ गई थी, देखिए अब वापस वहां खाली खेत है उसमें बैठ गई। चाची भी आ गए हैं, अभी वहां पर पहुंच जाएंगी पांचों क्यारिया। तो फाइनली ये गैप भी कंप्लीट हो गया है, 10:30 बज गए, 7:20 को आए थे, 10:22 हो गए, इतना टाइम लग गया सारा निकल वहां से लेके यहाँ तक ये पूरा निकल गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्यारियाँ थी टोटल की टोटल निकल गई है। अब पाथरा बनाने लग जाना है, बहन तो लग भी गई नहीं, ये दोनों देराणी जेठानी पानी पी रहे हैं। चलो तो अभी चारों यहाँ पर लग जाते हैं, पापा भी जा रहे हैं चाय बनाने के लिए, फिर यहाँ पर चाय पियेंगे और थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे। तो पाथरे भी बना दिए हैं कंप्लीट, नाश्ता भी आ गया चाय भी, और ये वहाँ राजमा देखने आई थी चाय देने और यहाँ पर पहुंच गई। जैसी कम छे पियो चा, मम्मा खावा मम्मरा भेजा मम कर तो बोलू को नहीं हूँ वाकू नहीं हूँ जोता राज मम है वाकू नहीं
मामा आए वजह था कौन नहीं वो है मामा को बुला रही है माई के मामा आए है वहां पर मामा अगर जाऊ नहीं मामा अगर जाऊ माँ ही भी चल गई है उसके मामा के पास और पापा के पास और हम भी यहाँ पर नाश्ता करके लग गए हैं। और यहाँ का जीरा देखो ऐसे सारे में होता तो क्या ही हाल होते पापा ये देखो ये है ना ये देखो एक ही फुमका है ये देखो ऐसे करना पड़ता है इसको तो फिर ऐसे 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 पूरा हाथ में तो आता भी नहीं है धीरे धीरे निकालना पड़ता है टाइम भी बहुत लग जाता है इसमें नाश्ता करने के बाद एक प्यारी निकाल पाए वो भी आधी रहेंगे मैं जा रहा हूँ घर की ओर वो चारों भी आ जाएंगे मैं भी दो किलो को पानी पिलाऊंगा और चारा डालूंगा तब तक वो भी आ जाएंगे पाथरा बना के चलो चलते हैं उस तरफ फिर मुझे जॉब पर भी निकलना है खाना खाने के बाद देखो करड़ी को छाछ डाल दी है देखिए और कट्टू के लिए नया तसला लिया है देखिए चमकदार चमकता हुआ देखिए प्योर चांदी का है ना ये देखो स्टील टाइप का मस्त चमक रहा है चांदी का तो बनवा नहीं सकते जस्ट मजाक कर रहा था लेकिन प्योर ऐसा ही चमक रहा है भाई तो फिर ऐसा हो जाएगा वो वाला ना पुराना हो गया और उसमें नीचे से टूटने लग गए हैं बहुत सारे होल हो गए हैं तो उसमें से छाछ निकल जाती है लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल करना ही है इसको रिपेयर करेंगे हो सकेगा तो चलो अब इसको पानी डालते हैं छाछ तो इसको इतनी पसंद है और वो भी थोड़ी बहुत हो तो चलती भी नहीं है अच्छी मतलब पानी जैसी हो तो चलती भी नहीं बाकी अब धीरे धीरे इसके बाल भी गिरने लग गए हैं देखो यहाँ पर बहुत कम हो गए हैं सिर्फ आगे को ये इतने हिस्से में बहुत ज़्यादा है वो भी धीरे धीरे निकल जाएंगे फिर प्योर भूरी बफेलो जैसे ही दिखने लगेगी बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे बाल भी गिरते जा रहे धीरे धीरे तो बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे पूरा लुक चेंज हो जाएगा पी लो नहीं है अब पीना है तो पियो वरना कुछ नहीं देखो अब नहीं पिएगी गिरा ना मत चलो भूरी को पानी पिलाते हैं उसके बाद दोनों को मूंगफली का चारा डालेंगे क्या पीना है चलो पिलाता हूँ आ जाएंगे सब आ जाएंगे वहां पर देख रही है जीरा पर पिलो पोहे 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 दोनों को चारा भी डाल दिया है और वो चारों भी आ रहे हैं चलो फटाफट अभी ऊपर का वाटरप्रूफिंग दिखा देता हूँ आपको
तो ऐसा है ना, इसमें पानी छिड़कना है। देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, सारे अलग अलग कलर है, तो इतना अलग अजीब अजीब सा मस्त सा दिख रहा है। देखो चाचा के घर पे भी ऐसा ही दिखेगा, वो भी दिखाऊंगा आगे अभी। तो चलो अभी जहाँ पर भी ये पाइपें डल रही है ना, ऐसे पाइपें डली है ना, वो सारे में पानी छिड़कना है, क्योंकि लगा दिया सीमेंट, फिर वापस निकाल लेंगे क्योंकि इसमें पानी भरना होगा। यहाँ तक पानी भरेंगे तो ये पूरे में पानी भरने वाले है, लेकिन इसमें तो फुल नाइट मोटर चलाएंगे ना तब कंप्लीट हो पाएगा। चलो तो अभी टैंक में से भरता हूँ तपेला और ये सारे में छिड़क देता हूँ। यहाँ से इस तरफ पानी जाएगा और यहाँ से इस तरफ, दोनों साइड ढलान रखी है, यहाँ बीच में पता चल ही जाता है, लेकिन कैमरे में उतना जस्टिस नहीं होता है, हम ऐसे देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये बीच की बॉर्डर है और इस तरफ धार है और इस तरफ धार है। यहाँ पे भी हो गया है, ये देखो तो खाना खा लिया है। चलो अब चलते हैं जॉब पर और चाचा के घर पे भी होते जाएंगे। तो पहुंच गया चाचा के घर पे, आधे में हो गया है कंप्लीट, यहाँ पर भी माचन डल गया है। दादी माँ देखिए खाना खा गए, सो रहे, आराम कर रहे हैं। नहीं खा ली तू? मैं हवा एक बाटली उपाड़ ली थी, अधूरी बाटली आती नहीं, एक उपाड़ ली थी, एक उथल वही बपर मोर। हाँ बता हो एवडा एवडा हता है कि मुपाड़वा एवडा अंग्रेज अंग्रेज एवडा। तो चाचा के अगासी में आधे में काम कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया है इसमें लॉबी में है। हवा में आगर जाते जाते था कुआं फिर। चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता है कल अगले वीडियो में, बाय बाय।